हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने लाइट को समझा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सारे टर्म को डिफाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, मिरर तो पता ही होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्फेरिकल। स्फेरिकल स्फेयर से मिल करके बना हुआ होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे इस फिगर में देख रहे होगे कि ये जो स्फेयर है वो क्या है, खोखला स्फेयर है, ठीक है। ये कौन सा स्फेयर है, खोखला स्फेयर है, ठीक। ये क्या, खोखला स्फेयर है। अब इसके अंदर की तरफ अगर कोटिंग कर देते हैं, ध्यान देना, अगर ये अंदर की तरफ कोटिंग कर देते हैं तो ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ कर्व हो जा रहा है। कहाँ कर्व हो जा रहा है, बाहर की तरफ कर्व हो जा रहा है। इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स सरफेस। अब देखो इस पार्ट में क्या करते हैं, बाहर की तरफ कोटिंग कर देते हैं। कहाँ कर दिए, बाहर की तरफ कोटिंग कर दिए। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो हो गया, वो अंदर की तरफ कर्व हो गया। देखो यहाँ पे अंदर की तरफ कर्व हो गया, है ना। तो इस टाइप के मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो, इसमें स्फीयर का पार्ट ले लिया। अब मैं बाहर की तरफ कोटिंग कर देता हूँ तो ये कौन सा मिरर बन गया, बताओ, कौन केव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब दूसरा मैं लेता हूँ सरफेस, अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, अंदर की तरफ कोटिंग कर देता हूँ तो ये कौन सा मिरर बन गया, बताओ, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स, इसका जो सरफेस होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। कॉनकेव सरफेस इसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। और इसको बोलते हैं हम क्या, कॉनकेव सरफेस। अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है और कॉन्वेक्स सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो देखो ये जो स्फीयर दिख रहा है, वो किसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक, जिसके पास अपना सेंटर होगा, जिसको मैं लिख लेता हूँ सी। अब देखो यहाँ पे मिरर का जो मीड पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं पोल। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल और इस पॉइंट को भी बोलेंगे पोल। तो यहाँ पे ये पोल दिया हुआ है, यहाँ पे भी पोल दिया हुआ है, ठीक। तो पहला आता है इसका सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी स्फेयर का पार्ट होता है और इस स्फेयर के पास अपना सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, दिस स्फेयर हैज़ सेंटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो मिरर होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, और इस स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग ने देखा कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इस सब को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम फिगर वन और फिगर टू को कंसीडर करते हैं। फिगर वन में क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, ठीक है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा केस में कौन सा मिरर लिया है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इस मिरर पे रे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ये एक रे, ये दूसरा रे, ये तीसरा रे, ये तीनों रे एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो अब देखो ये जैसे इंसिडेंट हुआ है इस मिरर पे तो ये रिफ्लेक्ट होगा इस पाथ से, और ये रे भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। और जो ये बीच वाला रे है वो जिस पाथ से गया है उसी पाथ से वापस आया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट से पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। दूसरे केस में क्या है कि एक रे लिया हुआ है, दूसरा रे लिया हुआ है और तीसरा रे लिया हुआ है, ठीक है। अब ये रे इंसिडेंट हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से पास हुआ है, फिगर में दिख रहा होगा ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से पास हुआ है, और तीसरा बीच वाला जो रे है वो जिस पाथ से गया है उसी पाथ से क्या है, वो वापस आया है, ठीक है। तो देखो इस रे को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये हमें किसी पॉइंट से आता हुआ अपीयर होता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं एफ। तो ये हो गया फोकस इन कन्वेक्स मिरर और यहाँ पे फोकस इन कनकेव मिरर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है दोनों केस में, या तो वो मिरर कनकेव हो सकता है या कन्वेक्स हो सकता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आर कन्वर्स एट अ पॉइंट। देखो कॉनकेव मिरर के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। देखो इस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ हम लोग को क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इसको हम लोग डायग्राम से बना सकते हैं, जैसे मान लो ये मैंने कोई मिरर ले लिया, ठीक है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर पे एक रे ये हो इंसिडेंट हो रहा है, एक रे ये इंसिडेंट हो रहा है, एक रे ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये रे इंसिडेंट हुआ है, ये रे इंसिडेंट हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट से जाएगा, है ना, ये दूसरा रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी किसी पॉइंट से जाएगा, और जो बीच वाला है वो जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से वापस आएगा। तो ये सारे रे किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं या आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है जो कि पोल और फोकस से पास करता है। तो यहाँ पे पोल,
मिरर के बीच वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। तो ये जो होगा वो हो जाएगा पोल। तो देखो, मैंने ले लिया ये कनकेव मिरर, ये मैंने ले लिया कनकेव मिरर, और दूसरा ले लिया कन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इन दोनों का मिरर का अपना बीच में पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं पोल। तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो पोल और फोकस से पास होता है उसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो मिरर के पोल और फोकस से पास होता है। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होता है, पोल और फोकस से पास होता है। तो ये देखो, ये पोल हो गया, और यहाँ पे मान लो एफ है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे एफ है, कैपिटल एफ। ठीक है, तो देखो ये जो पी और एफ के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, पी और एफ के बीच जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, जो कि स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। ठीक है, तो ये वाला लाइन हो गया फोकस, ये वाला लाइन हो गया फोकल लेंथ, सॉरी ये वाला भी लाइन फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एपरेचर या एपर्चर। एपर्चर जो होता है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। तो देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, तो mn का जो डायमीटर होगा उसी को बोलते हैं एपर्चर। यहाँ पे सरफेस दो बार हो गए, यहाँ भी mn नाम दे दो, तो mn को क्या बोलेंगे, mn जो होगा वो एपर्चर होगा। एपर्चर क्या होता है, डायमीटर होता है, या सिंपली बोल सकते हो लेंथ होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, एम और एन को बोलते हैं एपर्चर। दूसरा हम लोग बात करते हैं पोल। तो ये जो पोल जो होता है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड पोल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पी जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट पी को हम लोग बोलते हैं पोल, पी फॉर पोल।